जो विराजमान करेंगे और लगभग 10 दिनों के बाद गणेश जी को जो है वो विसर्जित किया जाएगा। बड़े ही शाम से ये देखें तो सूर्य को दिखाना चाहूंगा दो नगारों के साथ जो गणेश जी के भक्त हैं वो आज गणेश जी को अपने घरों में विराजमान करेंगे और लगभग 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना होगी। पूजा अर्चना करने के बाद भगवान गणेश जी को विसर्जित किया जाएगा और कई जगहों पर बड़े बड़े पंडाल जो है वो लगाए गए हैं और साथ तौर से तस्वीरें आप यहाँ पर देखेंगे कि गणेश जी को अपने घरों में विराजमान करने के लिए लोगों की भीड़ जो है वो काफी ज्यादा देखी जा रही है। और पहले इस पर्व को महाराष्ट्र में मनाया जाता था लेकिन अब गणेश चतुर्थी जो है भगवान गणेश का ये पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे, आज भगवान श्री गणेश को अपने अपने घरों पर जो है वो विराजमान किया जाएगा, कितना बड़ा पर्व है हिंदुओं के लिए? सबसे बड़ा पर्व है महाराज ये सनातन धर्म के लिए, इसको लाने शुभ लाभ सबके घरों में होता है, इसके बड़े ही फायदे हैं साथ में लाने का। इसका महत्व ये है ये 10 दिन घर पर रहेंगे अपने पूरे साल के लिए खुशहाली छोड़ जाते हैं, इसका इतना अच्छा महत्व होता है। कर्म अनुसार पूजा करने से बड़ा शुभ लाभ फल मिलता है और सदा ही मिलता रहेगा। राजीव नगर नरवाल बाई पास से। तो ये कहाँ पे आप कई पंडाल वगैरह लगाया? नहीं महाराज, एक कुटिया रखी है वहीं पर बनाया हुआ है। वहीं पे 10 दिनों तक पूजा अर्चना लगातार इसकी अर्चना पूजा सालों से आप ये हमारे को 11 साल महाराज जी 11 साल से लगातार कर रहे हैं। तो कहते हैं कि 10 दिन पूजा करने से जो भी आपकी इच्छा हो, जो आपने मनोकामना की हो वो पूर्ण होती है। ये सब है महाराज, होती है लोगों की, होती क्यों नहीं, देखो कितनी मूर्तियां आगे सामने अभी लेके लगाएंगे आकर, इसका होने से बहुत फायदा है इसके लिए। 10 दिनों के बाद विसर्जन भी किया जाता है जी, उसको कहाँ पे करते हैं विसर्जन? ये हर की पौड़ी पे। जम्मू वासियों क्या कहना चाहोगे आज के दिन को? सबके लिए शुभकामना है, जय गणपति महाराज की। एक बार सारे जयकारा लगा ले बोले बा आज महाराज जी को अपने अपने घरों में विराजमान किया जाएगा और 10 दिनों तक गणपति बप्पा की जो है वो पूजा अर्चना की जाएगी। पूजा अर्चना करने के बाद 10 दिनों के बाद गणपति बप्पा को जो है वो वहाँ पर हर अलग अलग जगह जहाँ पर गार्ड बने हुए हैं वहाँ पर विसर्जित किया जाएगा और 10 दिनों तक गणपति बप्पा जी की जो है वो पूजा अर्चना की जाएगी। कहा यह भी जाता है कि जो भी आपकी मनोकामना होती है उसे पूर्ण किया जाता है। साफ तौर से तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी भीड़ जो है वो आज जम्मू की अलग अलग जगहों पर देखी जा रही है। हालांकि ये तस्वीरें आप देखें कितनी खूबसूरत तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आएगी, अलग अलग तरीके से भगवान गणपति बप्पा की जो है वो प्रतिमाएँ जो है वो बनाई गई हैं और लगभग लोग जो है वो अपने गणपति बप्पा को जो है वो अपने अपने घरों में विराजमान किए जाएंगे। 10 दिनों तक ये पूजा अर्चना जो है वो की जाती है जिसके बाद विसर्जन जो है वो किया जाता है और हर मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। तो लगातार जम्मू की अगर बात की जाए तो तैयारियां जो है वो जोर शोरों पर थी, किस तरह से सेल्फी जो है वो यहाँ पर की जा रही है, तो लोगों से बातचीत करेंगे। मैम आप भी आज गणेश जी को अपने घरों पर विराजमान करेंगे? मैम साहब तो ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। देखिए गणपति बप्पा की छोटी छोटी मूर्ति से लेकर बड़ी बड़ी जो प्रतिमाएं हैं उसे यहाँ पर बनाया गया है। तो कितनी खूबसूरत ये कलाकारी जो है वो कुछ लोगों ने यहाँ पर की है, इनसे बातचीत भी मैं करूँगा। सर क्या नाम है सर आपका? यहाँ पर जो जो ये बनाता है कौन वो सामने बना दे, वो सामने उनसे भी बातचीत मैं करूँगा, इंटरव्यू दे देंगे वो, इंटरव्यू देंगे बिल्कुल वो सामने, उनसे बातचीत मैं करूँगा। और ये जानना चाहूँगा कि कितनी खूबसूरती से जो है वो इन प्रतिमाओं को जो है वो बनाया जाता है और ये आज से नहीं बल्कि लंबे समय से लोग जो है वो इस प्रतिमा को यहाँ पर बनाते हैं और इनसे बातचीत करूँगा। सर ये इतनी खूबसूरत प्रतिमाएं आपने खुद बनाई हैं, मैंने पहले भी आपसे कई बार बातचीत की है, तो कितनी मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में? इतनी अच्छी अच्छी प्रतिमाएं आपने बनाई, कितने सालों से बना रहे हैं? बनाने में तो हमें 40 साल से बना रहे हैं।
अब पहले मेरे पापा वगैरह बनाते थे, अभी हम भी बनाते हैं, करीबन 40 साल हो गया हमको। और पहले इतना नहीं मानते थे, लेकिन अभी ज्यादा लोग मानते हैं। और जम्मू में पहले सबसे पहले महाराष्ट्र में बनाया, इस पर्व को महाराष्ट्र जगह पर बनाया जाता है, लेकिन अब जम्मू की अगर बात की, जम्मू में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। देखा कि कितनी हजारों प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर सजाई गई हैं, लोगों का किस तरह का रुख है, किस तरह की चीजें जो है वो देख रहे हैं, लोगों के अंदर बड़ी श्रद्धा भी है। और इस साल भी बना रहे हैं, हर साल बना रहे हैं, जैसे धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले कम मानते थे, लेकिन अभी जम्मू वासी और उनको भी धन्यवाद कहूँगा कि वो भी गणपति बापा का। कितनी मेहनत लगती है इन प्रतिमाओं को बनाने में? मेहनत की बात करें तो रिक्शो करीबन 5 महीने हो गए हमको, 5 महीने से बना रहे हैं। इसमें हजारों मूर्तियाँ बनाई जा रही है और उनका आज लास्ट। किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है इसमें? मिट्टी का भी सृजन होता है और जो साख मिट्टी होती है जो भी हम घोल के फिर उनके साथ बनाते हैं। तो किन किन पैसे से शुरू है और कहाँ तक? 100 रुपये से लगाकर बढ़ोतरी के, मैं जैसे मूर्ति बड़ी होती है उसी के हिसाब से पैसे, उसी हिसाब से होती है। तो आप सबको एक बार फिर से मैं गणेश चतुर्थी की पावन पर्व के ऊपर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि कितना जोश है, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो गणपति महाराज जी को मानते हैं, तो आज गणपति बापा जो है वो घर घरों में विराजमान होने जा रहे हैं। नमस्कार।